दोस्तों फालसा एक फल है जो कि गहरे जामनी रंग का होता है और साइज में बिल्कुल मटर के दाने जितना होता है लेकिन इस छोटे से फल के अंदर न्यूट्रिशन बाजार से मिलने वाले महंगे से महंगे फूड सप्लीमेंट और मल्टी विटामिन के मुकाबले में कहीं ज्यादा पाई जाती है फालसा ना सिर्फ एक मौसमी बल्कि एक अलाकाई भी फल है यानी ये सिर्फ गर्मियों के मौसम में आता है और सिर्फ पाकिस्तान और भारत के इलाके में ही पाया जाता है न तो फालसा आपको यूरोप में और ना ही अमेरिका में देखने को मिलेगा अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए कुछ मखसूस फल पैदा कर रखे हैं जिन फलों में उस कौम में आने वाली कॉमन बीमारियों और सेहत के मसलों के लिए शफा मौजूद होती है और ऐसा ही एक फल है फालसा इसलिए आज की वीडियो में आपको फालसा इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हरानक हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे आपको फालसा का शरबत और फालसा ड्रिंक बनाना भी सिखाएंगे और ये भी बताएंगे की आपने वेट लॉस डायबिटीज और कब्ज के लिए फालसा का इस्तेमाल कैसे करना है इसलिए अगर आप भी फालसा के जब हेल्थ को जानना और हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फालसे के इस्तेमाल से आपका गला खराब ना हो तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी कीजिएगा दोस्तों फालसे के इस्तेमाल से आपके जिसम में खून पैदा होता है अगर आप लगातार पंद्रह दिन फालसे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिसम में न सिर्फ खून की कमी दूर हो जाएगी बल्कि आयरन की कमी कभी खात्मा हो जाएगा फालसा आपके जिगर के लिए अक्सर है ये जिगर में बैठी गर्मी को उठा देता है जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है और खासकर जिगर के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी होती है जो की फैटी लीवर की कंडीशन पैदा करने की असल वजह बनती है उस चर्बी को जिगर ऐसी निकाल बाहर करता है फालसे का इस्तेमाल हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बेल का खात्मा करता है गर्मी के मौसम में पसीने के साथ हमारी बॉडी से कई कीमती इलेक्ट्रोलाइट जिसम से बाहर निकल जाते हैं जिस वजह से हमें सुस्ती और थकावट महसूस होने लगती है बॉडी के एनर्जी लेवल्स गिर जाते हैं और किसी भी काम को करने में दिल नहीं लगता लेकिन अगर आप फालसे का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तमाम मसले उसी वक्त खत्म हो जाएंगे फालसा विटामिन सी से भरपूर होता है अगर आप फालसा की सिर्फ एक सर्विंग इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको आपकी डेली की जरूरत का जितना विटामिन सी चाहिए होता है उससे कहीं ज्यादा विटामिन सी मिल जाता है दोस्तों फालसे की तस्वीर बेहद ठंडी होती है और गर्मियों में फालसे का इस्तेमाल आपको गर्मी की शिद्दत और लू लगने से बचाता है इसको इस्तेमाल करने से जिगर मेदे और मसाने में बैठी गर्मी फौरन उठ जाती है पुराने जमाने में जिन लोगों ने शदीद गर्मी में रेगिस्तान वगैरह का सफर करना होता था वो सुबह सुबह एक पाव के करीब फालसा खा लिया करते थे जिसके बाद पूरा दिन रेगिस्तान की सख्त गर्मी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी फालसा ब्लड शुगर लेवल को कम करता है खून में बड़े हुए शुगर के लेवल को कम करने के लिए फालसा कितना ज्यादा मौसर है इसका अंदाजा आप इस चीज ऐसी लगा सकते हैं की तिप में सदियों से फालसे फालसे के अरक और फालसे के बीचों को शुगर की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है अगर शुगर के मरीज खाना खाने के आधा घंटा बाद फालसे का जूस इस्तेमाल कर लेते हैं तो खाने की वजह से उनके खून में शुगर का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा और वो डायबिटीज की वजह से होने वाली बेशुमार खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे अगर आप मोटापे का शिकार है और तेजी से अपने बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तब तो फालसा आपके लिए अक्सर की हसीयत रखता है फालसा वजन कम करने के लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं की सिर्फ आप फालसे को इस्तेमाल करते हुए एक महीने में सात से लेकर नौ किलो तक वजन कम कर सकते हैं फालसे के अंदर ऐसे कंपाउंड्स और एसिड्स पाए जाते हैं जो की जिसम में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी ऐसी पकड़ते हैं और आपके स्लो पड़ गए मेटाबोलिज्म को भी बूस्ट करते हैं यही वजह है की अगर आप फालसे के ड्रिंक का एक महीना इस्तेमाल कर लेते हैं तो आसानी से सात से लेकर नौ किलो तक आपका वजन कम हो जाएगा फालसे का ड्रिंक आपने कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है अभी आपको आगे बताते हैं फालसे का इस्तेमाल आपकी बॉडी में मलेरिया के खिलाफ कुवते मुदाफी को बढ़ाता है और मलेरिया समेत नजल और बहुत से मौसमी बुखार और बीमारियों से बचने में मदद करता है फालसा आपके दिल के लिए अक्सर है ये दिल को ठंडक देता है दिल के पट्टों को मजबूत करता है और दिल की धड़कन भर जाने या दिल के घबराने जैसे को दूर करता है अगर आपका हाजमे का निजाम कमजोर है बदहजमी रहती है गैस हो जाती है खट्टे डकार आते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे बाद एक मुठी फालसे खा लिया करें न सिर्फ खाया गया खाना बेहतरीन तौर पर हजम हो जाएगा बल्कि आपको बदहजमी भी नहीं होगी फालसे को वैसे तो आप फल के तौर पर भी खा सकते हैं लेकिन फालसू का शरबत बनाकर या इसका ड्रिंक बनाकर इस्तेमाल करना सबसे बेहतरीन तरीका रहता है अगर फालस को आपने फल के तौर पर इस्तेमाल करना है तो आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है की आपने अच्छी तरह से पक्का हुआ फालसा ही इस्तेमाल करना है क्योंकि अगर आप कच्चा फल इस्तेमाल करेंगे तो कच्चा फल आपके गला खराब कर सकता है इस्तेमाल से पहले फालसू को आपने किसी बर्तन में डाल लेना है और थोड़ा सा इसके ऊपर काला नमक छिड़क देना है जिसके बाद बर्तन के ऊपर ढकना लगाकर अच्छी तरह बर्तन को हिलाना है ताकि के फालसे नरम हो जाए फालसे को नरम कर लेने से फालसू का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और फालसू के ऊपर थोड़ा सा काला नमक छिड़क लेने से फालसा आपके गले को नहीं पकड़ता और आपका गले को खराब नहीं करता लेकिन आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है की फालसू के ऊपर आपने हमेशा काला नमक ही छिड़कना है कभी भी सफेद नमक यानी जो टेबल सोल्ट होता है उसको छिड़क कर नहीं खाना लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो फालसू के ऊपर काला नमक भी ना छिड़के जबकि फालसा ड्रिंक बनाने के लिए आपने तकरीबन डेढ़ सौ ग्राम के करीब फालसा ले लेना है और उसे ब्लेंडर में डाल देना है उसके बाद आधा ग्लास के करीब ब्लेंडर में पानी शामिल कर देना है दो से तीन चुटकी इसमें काला नमक शामिल कर देना है और एक खाने का चम्मच इसमें आपने चीनी की शामिल कर देनी है तमाम चीजों को ब्लेंडर में शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है आपका फालसा ड्रिंक तैयार है बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई फालसे का इस्तेमाल कर सकता है इसको इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन हामला खात और फीडिंग मदर्स फालसे को एहतियात से इस्तेमाल करें क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरा सकता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स तो में माशाल्लाह ये सुबह जरूर लिखिएगा और लाइक के बटन को भी दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा